इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पिछड़े गांव को दिखाते हुए, जहां पर कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे। वो सारे बच्चे तो पास ही वाले घर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर यूना नाम की एक लेडी मौजूद थी। यूना की तो हाल ही में एक बच्ची पैदा हुई होती है, जिसका नाम उसने बड़े प्यार से रवीना रखा था। अब यहां वो सारे बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हुए घर के अंदर आ चुके थे और बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे। इसीलिए अब यूना रवीना को अंदर रखती है और उन्हें भगाने के लिए बाहर चली जाती है। वो सारे छोटे छोटे बच्चे अब डर के मारे वहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं। यूना तो अब वापस से घर के अंदर एंटर करती है, लेकिन तभी वो अपनी बेटी रवीना के पास एक विच को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गई। ये एक विच होती है जिसका नाम मारिया था। मारिया तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के खून पीने का काम करती थी। यूना यहाँ पर मारिया से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो इसके बच्चे को छोड़ दे, पर मारिया कहती है कि मुझे इसका खून पीना है। ये न्यू बॉर्न बेबी मुझे बहुत सारी ताकतें दे सकती है। लेकिन यहाँ यूना मारिया के सामने भीख मांगने लगी थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे इसके साथ एटलीस्ट 16 साल तक रहने दो, जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती। दरअसल ये यूना का दूसरा बच्चा था और उसका पहला बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया, यानी कि वो एक मदर बनने का सपना पूरा ही नहीं कर पाई। लेकिन इस बार वो अपनी बेटी को बड़ा करना चाहती थी, इसीलिए अब यूना मारिया से वादा करती है कि 16 साल के बाद वो अपनी बेटी को उसे सौंप देगी, उसके बाद वो जो चाहे उसके साथ वो करे। इन्हीं सारी चीजों के निशान के तौर पर यूना ने अपने हाथ पर एक छोटा सा कट लगा दिया था, जिससे कि उसके और मारिया के बीच में की गई डील को याद रखा जाए। मारिया भी अब इन सारी चीजों को समझती है और एक कर्ज देकर उन सभी को वहां से चली जाती है। यूना के पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपनी बेटी रवीना के साथ कैसे भी करके दिन काटने लगी। यूना को हमेशा डर लगा रहता, इसीलिए वो रवीना को अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर लेकर चली जाती है, जो एक पूरी तरीके से गुफा थी और वहां पर कोई भी नहीं आया जा करता था। यूना तो अपनी बेटी रवीना को उसी जगह पर रखती और बाहर नहीं जाने देती। धीरे धीरे समय बीतता गया और रवीना काफी बड़ी होती चली जाती है, लेकिन यूना हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती और बाहर की तरफ कदम नहीं रखने देती। यानी कि एक तरीके से रवीना ने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। अब यहाँ रवीना एक टीनेज बन चुकी थी, जिसे कि बाहर जाना था। हालांकि उसने कई बार कोशिश भी की, लेकिन यूना उसे पकड़ लेती और कहती कि अगर तुम बाहर चली गई तो शैतान तुम्हें खा जाएगा। यही सारी चीजें करते करते आज यहाँ पर 16 साल बीत जाते हैं, यानी कि यहाँ पर यूना को पता था कि शायद वो विच यहाँ पर जरूर आएगी। अगले मोमेंट में यूना यहाँ पर उस गुफा के अंदर एक ईगल को देखती है। वो तुरंत ही समझ गई कि ये ईगल जरूर उस विच का होगा, जो 16 साल बाद यहाँ पर नजर रखने आया है। यूना तुरंत ही उस ईगल को मारने लगी, जिसे कि रवीना बड़े ध्यान से देख रही थी। यूना पत्थरों के पीछे चली गई और अब अचानक से उसके सामने आ जाती है। यहाँ पर यूना अब खुद रवीना से कह रही थी कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगी। वो दोनों अब कैसे भी करके बाहर आ जाते हैं। रवीना पहली बार इस पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रही थी और वो काफी एक्साइटेड भी होती है, लेकिन ये नहीं समझ में आया यूना जो उसे इतने साल से गुफा के अंदर प्रोटेक्ट करके रखती थी, वो अचानक ऐसे कैसे बदल गई। यूना तो अपनी बेटी रवीना को लेकर एक झोपड़े में आ जाती है, जहाँ पर एक जानवर बंधा हुआ था। उसने सबसे पहले जानवर को मारा और उसे खाने के लिए रवीना को दे दिया। रवीना जो कि एक आदिवासी ग्रुप से बिलोंग करती थी, वो तो उसे खाने लगी। अब यहाँ बाहर निकलने के बाद यूना पता नहीं वियर्ड बिहेव कर रही थी और उसने अपने नाखूनों से रवीना के छाती पर थोड़ा सा स्क्रैच मार दिए। फिर बाद में वो उसकी तरफ आग लेकर आती है तो वो पूरे घाव भर गए। अब रवीना भी अपने आप को नोटिस करने लगी कि उसके हाथों के नाखून अचानक ही बढ़ने लगे हैं। रवीना ने जैसे ही अपनी मदर यूना की तरफ देखा, तब पता चला कि वो अपने ऑर्गन्स निकालकर बाहर फेंक रही है। थोड़ी देर बाद सच्चाई रिवील होती है कि ये उसकी मदर यूना नहीं बल्कि मारिया है, जिसने कि उसकी मदर का रूप धारण किया था। ये उस समय हुआ होता है जब वो ईगल वहां पर आया और यूना को मारकर उसकी जगह ले ली। मारिया नाम की ये विच इसी तरीके से लोगों का रूप धारण कर सकती थी, ये उसकी एबिलिटीज में से एक है। और अब उसने तो रवीना को भी इन्फेक्ट करके उसे विच बना दिया होता है। रवीना को यहाँ पर पता था कि ये उसकी मदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो मारिया के साथ जा रही थी क्योंकि उसे एक्सप्लोर जो करना था। दोनों एक साथ ही रहने लगी और आगे बढ़ने लगी। अब यहाँ एक दिन रवीना फॉरेस्ट के अंदर लगातार घूमती जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक अनजान आदमी आ जाता है। वो आदमी तो रवीना को देखकर उसके साथ गलत काम करने के लिए आगे बढ़ रहा था। हालांकि रवीना को इन चीजों के बारे में अभी तक कुछ आइडिया नहीं होता है, लेकिन अब उस जगह पर मारिया आ चुकी थी, जिसने कि उस आदमी के ऊपर हमला कर दिया और उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। वो तो उसकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स निकालने लगी और रवीना को भी समझाती है कि तुम एक विच हो, तुम्हें इन सारे लोगों को जान से मारना है जो तुम्हारे बीच में आते हैं। रवीना के लिए ये सारी चीजें काफी नई होती हैं, इसीलिए वो सीख रही थी।
अब मारिया रेविना को लेकर पास ही वाले एक तालाब में चली गई और वहां से कुछ मछलियां पकड़ के खाने लगी। पर रेविना ऐसा करने से बिल्कुल मना कर रही थी। मारिया को इस बात से बहुत गुस्सा आया और उसने रेविना को मारना स्टार्ट कर दिया। रेविना भी अब कुछ देर बाद काफी इरिटेट हो जाती है और एक पत्थर उठाकर मारिया को मार देती है। जिस बात से मारिया ने रेविना को सजा तो दिया, पर वो कह रही थी कि मैंने तुम्हें विच बनाकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम तो विच बनने लायक ही नहीं हो। मारिया तो अब रेविना से दूर चली गई और रेविना बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। मारिया ने तो यहाँ पर सबसे पहले एक भेड़िए के बॉडी ऑर्गन्स निकाले और उसे अपनी बॉडी में डाल दिया, जिससे कि वो उस भेड़िए का रूप धारण कर लेती है। रेविना इस टेक्निक को दूसरी बार देख रही थी और वो ठीक से उसे समझने लगी। अब अचानक रेविना को किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। वो तो उस आवाज के पीछे चली जाती है और फिर उसे पता चला कि उस जगह पर एक लेडी अपने बच्चे को जन्म दे रही है। उसे ये प्रोसेस बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो सीधा घर के पास चली गई। वहां पर एक लड़की मौजूद थी जो कि रेविना के जब पास आई और उसके नुकीले हाथों को देखा तो वो डर के मारे अंदर भाग जाती है। रेविना तो यहाँ पर फिर भी नहीं रुकती और अंदर चली गई उस रोते हुए बच्चे के पास। ये वही बच्चा था जिसे कि उस लेडी ने अभी अभी जन्म दिया होता है। थोड़े ही देर में उस बच्चे की मदर, जिसका नाम सिल्का होता है, वो उस जगह पर आ गई और रेविना से विनती करने लगी कि वो उसके बेटे को कुछ ना करे। लेकिन रेविना थोड़ा सा पैनिक हो गई और सिल्का के ऊपर हमला कर दिया। उसके हाथों में जो नुकीले नाखून थे वो गलती से सिल्का के बॉडी में चले जाते हैं और सिल्का की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। रेविना नहीं समझ पा रही थी कि वो इस कंडीशन में क्या करे। फिर उसने ट्राई किया रूप बदलने की टेक्निक, यानी कि उसने सिल्का के बॉडी के ऑर्गन्स अपने बॉडी में ट्रांसफर किए और सेम टू सेम सिल्का की एक क्लोन बन गई। रेविना जो इस वक्त सिल्का के रूप में होती है वो बाहर जाकर सारी चीजें एक्सप्लोर करने लगी। सिल्का के पूरे परिवार वाले अब तो उसे ही सिल्का समझ रहे थे, जो कि उसे घर के अंदर लेकर चले गए। यहाँ सिल्का यानी कि रेविना एक्सपीरियंस कर पा रही थी एक परिवार का बॉन्ड क्या होता है। उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि वो उनकी बेटी नहीं है। इसी तरीके से रेविना उन सभी के बीच रहकर ये चीजें फॉलो करने लगी थी। अब एक दिन रेविना देखती है कि उसके पास ही में रहने वाले एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। लेडी का हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा मारा करता था और टॉर्चर भी करता था। इसी वजह से अब रेविना उस लेडी के पास जाती है और उसे अपने बॉडी पर लगे हुए जख्म दिखाती है। एक तरीके से रेविना उसे बताना चाहती थी कि तुम्हें किसी भी कंडीशन में खुश रहना होगा, तुम इसका सामना करो और इसे ओवरकम कर जाओ। ये बात शायद उस लेडी को समझ में आ जाती है और वो अपने हस्बैंड को ही छोड़ देती है। अब यहाँ एक रात मारिया रेविना के सामने आ चुकी थी, जिसने की अभी भी सिल्का का रूप धारण किया होता है। मारिया तो रेविना को यही बताती है कि तुमने जेल चुनी है और यही सारे लोग तुम्हें एक दिन जान से मार देंगे। रेविना ये सारी बातें नहीं समझ पाती, लेकिन फिर भी वो उसी फैमिली के अंदर मौजूद रहती है। अब रात होने पर रेविना जब सोई हुई थी तो वहाँ पर सिल्का का हस्बैंड आ जाता है और वो तो सिल्का के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगा था। उसे क्या पता कि ये सिल्का नहीं बल्कि रेविना है। रेविना कुछ समय तक तो सहन करती है और फिर बाद में सिल्का के हस्बैंड को जान से मार देती है। रेविना तो अब सीधा वहां से कहीं दूर निकल गई। अब रेविना अपने सामने एक कुत्ते को देखती है, जिसे कि उसने मार दिया और उसके बॉडी ऑर्गन्स को अपने बॉडी में डाल दिया। रेविना अब कुत्ते में कन्वर्ट हो गई थी और आगे जाकर एक्सप्लोर करने लगी। फॉरेस्ट में जैसे ही इंटर होती है तभी कुछ लड़के दिखाई दिए जो लड़कियों के बारे में बहुत ही ज्यादा गंदे कमेंट कर रहे थे। इसीलिए अब उन्हें मजा चखाने के लिए रेविना अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है और नदी के पास जाकर नहाने लगती है। उन्हीं लड़कों में से बोरिस नाम के एक लड़के की नजर रेविना के ऊपर पड़ी और वो रेविना के पास अट्रैक्ट होता हुआ चला आया, जो उसके साथ फिजिकली इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रेविना ने उस बोरिस नाम के लड़के को बहुत बुरी तरीके से मार दिया और उसके बॉडी ऑर्गन अपने बॉडी में डालकर उसका रूप धारण कर लिया। रेविना जो कि बोरिस बन चुकी थी, वो अपने दोस्तों के पास आ गई जो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। अपने गांव में वापस आने के बाद रवीना ये नोटिस करती है कि इस बॉडी में उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो जहां चाहे वहां जाएगी और उसके ऊपर कोई जबरदस्ती भी नहीं करता। पर अफसोस, रवीना का बिहेवियर तो चेंज नहीं होने वाला। रवीना जो कि बोरिस थी, वो डॉल से खेलने लगी और लड़कियों की तरह बातें करने लगी और लड़कियों की तरह बिहेव करने लगी, जिससे कि उसके गांव वालों को लगने लगा कि बोरिस के ऊपर किसी शैतानी आत्मा का साया है, जिसने कि उसे एक नामर्द बना दिया है। उस दिन इसी तरीके से रवीना ने बोरिस बनकर गुजारे, पर अब उसके सामने मारिया नाम की विच आ चुकी थी, जिसने कि रेविना को पहचान लिया था। मारिया तो रेविना को वापस से समझा रही थी कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये इंसान तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। अब रेविना
एलिना यानी कि बोरिस एक बच्चे के पास आ गया जिसके पेरेंट्स उसे डांट रहे थे। तब जाकर बोरिस उस बच्चे की मदद करने लगा। बोरिस यानी कि रवीना देखती है कि उसे एक लड़की अपनी तरफ इशारा करके बुला रही है, इसीलिए वो उसे देखने के लिए चली गई। फिर बाद में पता चला कि वो लड़की बोरिस से इम्प्रेस होकर उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। वो दोनों अब इंटीमेट होने लगे, जिसके बाद रवीना को बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा था। उसने भले ही बोरिस का रूप धारण किया होता है, लेकिन उसे इंसान के साथ इंटीमेट होकर खुशी मिल रही थी। अब जब यहाँ रवीना यानी कि बोरिस सोया हुआ होता है, तो उससे कुछ बच्चों के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो जब तुरंत ही जाकर देखने लगा तो वो बच्चे कहने लगी कि हमारी एक फ्रेंड नीचे गिर चुकी है। रवीना अब तुरंत ही उसे देखने के लिए नीचे की तरफ आई। वो बच्ची तो ऊपर से गिरने के बाद अधमरी हो गई थी और उसका इलाज करना नामुमकिन था। उस बच्ची का नाम बिलियाना होता है, जो काफी मासूम लग रही थी। इसीलिए अब रवीना जो कि बोरिस का रूप धारण की होती है, वो अब बिलियाना का रूप धारण कर लेती है। रवीना बिलियाना के रूप में सीधा अपने गांव की तरफ चली गई और उसके नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगी। रवीना यानी कि बिलियाना अपने फैमिली के साथ घूमती और उनके साथ टाइम स्पेंड करती। कुछ दिनों के बाद रवीना को उसकी लाइफ अच्छी लगने लगी होती है। वो हर एक चीजें एंजॉय कर पा रही थी जैसे कि नॉर्मल इंसान करते हैं। वो सोचती थी कि मैं इसी तरीके से बिलियाना बनके पूरी जिंदगी ही काट दूंगी, लेकिन ये तो उसकी डेस्टिनी में बिल्कुल नहीं होता। अब हमें घर के अंदर बूढ़ी औरत दिखाई जाती है, जो कि कुछ बच्चों को कहानियां सुना रही थी। बूढ़ी औरत ने उन सभी को मारिया नाम की उसी विच के बारे में बताया, जो कि बहुत सालों पहले एक नॉर्मल लेडी हुआ करती थी। मारिया की जिंदगी एकदम नॉर्मल तरीके से चल रही होती है, लेकिन वो जहाँ रहती है उस जगह पर अब कोई भी आदमी नहीं रहता, और अब एक भी मेल के ना होने के कारण मारिया की शादी ही नहीं हो पा रही थी। उसे किसी न किसी लड़के के साथ शादी करके अपना वंश आगे बढ़ाना था। इसी वजह से मारिया काफी परेशान रहने लगती और उसके फैमिली वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब एक दिन मारिया जब अपने कमरे के अंदर चली गई, तो वो देखती है कि किसी जानवर को एक खतरनाक विच खा रही है। वो विच काफी ज्यादा डरावनी थी, जो कि मारिया को देखकर वहां से जाने लगी। लेकिन मारिया यहां पर उस विच से जाकर कहती है कि प्लीज मुझे एक लड़का दिला दो, जिससे कि मैं शादी कर सकूं। उस विच ने पता नहीं क्या समझ लिया और अपने नुकीले नाखून से मारिया के सीने पर स्क्रैच कर दिया और उसके ऊपर स्पिट कर दिया होता है। यानी कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उस विच ने मारिया को भी अपने जैसा बना दिया है। अब एक दिन मारिया के पास एक आदमी आता है। वो तो मारिया के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने आया था, जिससे कि मारिया बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसके फैमिली वाले भी मान जाते हैं। मारिया एक दिन उसी लड़के से मिलने के लिए उनके घर पर चली गई। तब जाकर उसे असली सच्चाई का पता चलता है कि उस आदमी का बेटा बहुत बीमार है। उसे एक अनजान बीमारी थी जो कुछ समय के अंदर मरने वाला था। इसीलिए उनकी फैमिली चाहती थी कि मारिया उससे जल्द से जल्द शादी करके इंटीमेट हो, ताकि उस आदमी का वो बच्चा पैदा कर सके, क्योंकि अब उनके पूरे गांव के अंदर कोई भी आदमी नहीं होता है। अब यहां मारिया के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसे मजबूरी में शादी करनी ही पड़ती है। कुछ दिनों बाद जब सारे प्रोसेस हो गए, तो एक शॉकिंग बात पता चली कि इंटीमेट होने के बाद मारिया को उस आदमी की बीमारी हो चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा तड़पने लगी। सबसे पहले तो मारिया का हस्बैंड, जिसे की बीमारी थी, वो मर गया और अब मारिया भी एकदम से तड़पने लगी। मारिया को फिर जाकर उस विच की बात याद आती है। उसे अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस महसूस होने लगे, इसीलिए वो जानवरों को जाकर मार के खाने लगी। पूरी बॉडी खाने के बाद मारिया को जो खतरनाक बीमारी हुई थी, वो वहीं ठीक हो गई। अगले दिन गांव के सारे लोग जब मारिया को खून से लथपथ देखते हैं, तो वो समझने लगी कि मारिया एक विच है। इसीलिए अब कोई और रास्ता ना होने के कारण मारिया को भरे गांव के सामने जला दिया गया। हालांकि एक विच होने के कारण मारिया मरती नहीं, उसके तो पूरी बॉडी की स्किन ही जल चुकी थी और वो जिंदा थी। तब से लेके आज तक मारिया इसी तरीके से विच बनकर अपनी जिंदगी काट रही है। अब कहानी में मौजूद ये पूरा सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाता है। अब तो हमें यहाँ पर रवीना को दिखाया गया, जो उस छोटी बच्ची की बॉडी में रहते हुए काफी बड़ी हो चुकी थी। उसने शुरुआत से बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की और उन लोगों के बीच में रहकर उनका एक हिस्सा बन गई। रवीना को लगने लगा कि वो इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार लेगी। रवीना को तो ओवेन नाम के एक लड़के से प्यार भी हो गया था, जिसके साथ वो आगे चलकर शादी भी करेगी और अपने वंश को आगे बढ़ाएगी। हालांकि यहाँ पर मारिया रवीना को पहले ही आकर चौकन्ना करती है कि अगर ओवेन को इसके बारे में पता चला कि तुम विच हो, तो वो तुम्हें जलाकर खुद ही खत्म कर देगा। अब यहाँ कुछ समय बाद रवीना और ओवेन की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दिन इंटीमेट होने के दौरान ओवेन को बड़े बड़े नाखून दिखाई दिए थे रवीना के। वो इस बात से तुरंत ही समझ गया कि रवीना एक विच है, पर इससे ओवेन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे ये सच्चाई पता हो गई थी कि रवीना एक विच है, पर उसे तो रवीना से प्यार था। ओवेन ने पूरी तरीके से रवीना को एक्सेप्ट कर लिया होता है।
लेकिन यार रवीना को क्या अंदाजा था कि उसकी जिंदगी में कुछ गलत होने वाला है। अब एक बहुत ही खतरनाक जंगली सुअर ने आकर ओवेन की जान ले ली थी। जब ये बात रवीना को पता चली तो वो एकदम से शॉक हो जाती है। फिर ये रियलिटी सामने आई कि वो जंगली सुअर और कोई नहीं बल्कि मारिया ही थी जिसने कि उसका रूप धारण किया था। मारिया तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रवीना इतनी आसानी से सब कुछ हासिल कर ले। उसे एक तरीके से जलन हो रही होती है, इसीलिए उसने ओवेन को जान से मार दिया। अब यहाँ ओवेन का फ्यूनरल किया जा रहा था, लेकिन सभी लोग उसकी मौत का कारण रवीना को ही मान रहे थे, इसीलिए सभी उसके अगेंस्ट हो गए। लेकिन यहाँ ओवेन की मदर उसका साथ देती है और उसे सपोर्ट करती है। अब यहाँ कुछ समय बाद रवीना एक बच्चे को भी जन्म दे रही थी, लेकिन उस बच्चे के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये किसी विच का बच्चा है, इसीलिए सभी लोग इसे अपशगुन मान रहे थे और उसे फेंकने के लिए कहते हैं। लेकिन रवीना और ओवेन की मदर इसके अगेंस्ट थे और उस बच्चे को पकड़कर पालने का डिसाइड करते हैं। रवीना तो अब एकदम नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और कोई भी चीजें एक्स्ट्रा नहीं मांगती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रवीना वापस लौटती है तो ओवेन की मदर को किसी ने जान से मार दिया। मारिया तो अब रवीना के बेटे के पास ही मौजूद थी, जिसने अपने नुकीले नाखूनों की मदद से उसके बॉडी ऑर्गन्स निकाल लिए। रवीना समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, इसीलिए उसने अपने नाखून निकाले और अपने बेटे की छाती पर लगाए, जिसके बाद पास ही में पड़े हुए एक एनिमल के ब्लड को उसने अपने बेटे के ऊपर थूक दिया था। इन सारे विचेस के रिचुअल से उसका बेटा तो वापस जिंदा हो जाता है, पर अब वो भी विच के खानदान से जुड़ चुका था। मारिया यहाँ पर रोने लग जाती है कि रवीना इस तरीके से कैसे सारी चीजें हासिल कर ले रही है। मारिया खुद अपने लाइफ में हार चुकी थी, इसीलिए वो शुरुआत से ही चाहती थी कि रवीना भी उसकी लाइफ जिए, वो एक्सपीरियंस करे कि वो क्या महसूस कर रही है। मारिया यहाँ पर रवीना से प्रॉमिस करती है कि वो उसके लाइफ में अब वापस इंटरफेयर नहीं करेगी, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।